प्यारा। उधर ड्रेस्टो ने नॉकआउट कर चुका फ्रैंकी को एंड डॉन को, दो बंदे उधर पेन लिविएट फिनेटिक परितोष ऊपर क्लियर आउट होते हैं, तो फिनेटिक ऊपर चलते हैं। फिनेटिक ऊपर एक फाइट में एंगेज है, उधर डॉन को भी क्लियर आउट कर चुका फिनेटिक। यहाँ पर सैंडविच सिचुएशन पे अगर आप देखोगे तो, क्योंकि रौनक यहाँ पर है तो अलग साइड पे, वेस इधर अकेले अलग साइड पे, एंड एश जो मैं बोलना चाह रहा था कि उधर सोल के साथ वो लोग फंस। एंड पाइपर ने उधर एश को नॉकआउट कर चुका है एंड क्लियर आउट कर दिया जाएगा। वेस यहाँ पर थोड़ा टैप चलाते हुए मॉडल के ऊपर लेकिन बच गया। वेस को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है क्योंकि एक गोली लगेगा तो डाउन हो जाएगा, वो एक गोली लग चुका है अमन का। एंड यहाँ पर वेस नॉक है। अब भाई रौनक को देखो को वन एचपी बचा है, सिनर्जी रिट्रीब्यूशन पीछे से डैमेज दे रहा है। मॉडल ने उधर एश का किल कन्फर्म कर चुका है, सिनर्जी रिट्रीब्यूशन यहाँ पर आने की कोशिश। फनेटिक यहाँ पर लिटरली बहुत ही गंदा तरीके से सैंडविच हो चुका है, सामने है सिनर्जी रिट्रीब्यूशन, पीछे है सोल एंड अमन यहाँ पर आ चुका है। रौनक ज्यादातर टाइम तक बचने नहीं वाला क्योंकि हिटमैन वहां पर कवर फायर देगा अमन की तरफ से, लेकिन रौनक को भी यहां पर थोड़ा टीपी भी लेकर रखना पड़ेगा। लेकिन रिगल्टॉस जो रोटेशन मारा है वहां से यहां पर रिगल्टॉस क्लियर कर सकते हैं एंड एक वीएसएस, लेकिन यहां पर क्या एएनबी को नॉकआउट कर पाएगा। एएनबी के ऊपर वीएसएस का स्पिन बहुत ही प्यारा, रिगल्टॉस का यहां पर वीएसएस का स्पिन ऊपर नॉकआउट करते हुए रौनक ऊपर फिर से चलते हैं। रौनक अभी भी बचे हैं, हील पिकअप होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर रौनक खत्म होते हुए भाई अमन यहाँ पर रिगल्टॉस ने जो नॉक किया था एंड रिगल्टॉस पूरा पुश कर चुके हैं। अकेले 1v3 सिचुएशन राइट नाउ फॉर सोल का डिविनिंग टीम में, दूसरी तरह से कवर फायर देंगे। उधर गॉड लाइक का भी फाइट हो रहा है, महम जॉन वहाँ पर चौपर को भी नॉक एंड महम जॉन उधर एटलास्ट नॉकआउट होते हुए। रिगल्टॉस क्या खेल रहा है भाई, क्या खेल रहा है, एक और वीएसएस से नॉक, वीएसएस 10 गोली विदाउट एक्सटेंडेड एंड 10 गोली में दो दो नॉक पिकअप करना भाई, इट्स लिटरली बहुत हार्ड, बहुत ही मजा आ गया। लेकिन यहाँ पर सोल का कवर अभी भी आया नहीं है, थोड़ा और रोटेट करने की कोशिश करेगा यहाँ पर सोल। रिगल्टॉस के ऊपर नेट आने की कोशिश करते हुए हिटमैन ऊपर क्लोज करने की कोशिश, सिनर्जी को पता चल चुका है कि राइट से सोल का टीम वहां पर रोटेट दे रहा था एंड वहां से वो डैमेज दे सकते हैं। मॉडल ने आने की कोशिश, रिगल्टॉस साइड इस नेट से डैमेज खाएगा, बच गया, पीछे आ चुका है। एएनबी ऊपर रिवाइव हो चुका है, लेविटेट उधर एएनबी को रिवाइव करने के बाद नॉक हुए थे तो बच गया। दोनों के दोनों बंदे एकदम उस टाइम पे अगर नॉकआउट हो जाता ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता उसके लिए। इधर अमन नीचे आ चुका है, एनबी के ऊपर चलते हैं, एनबी विद बैरल एंड एनबी के ऊपर फाइबर का स्प्रे आता है, फाइबर उसको नॉकआउट कर सकता है। एक और बुलेट अगर कनेक्ट हो जाता है सही में एंड बच गया है, बट लेवल 3 हेलमेट था फिर भी यहाँ पर नॉकआउट हुआ था भाई। दैट वीएसएस स्प्रे दैट इज लिटरली ओपी फॉर रिगल्टॉस। एक और बार रिगल्टॉस का वीएसएस स्प्रे देखने को मिल रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए इस टाइम। एंड वही गाइस यहाँ पर वीएसएस जो होता है मिड रेंज सही है, थोड़ा ज्यादा